नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया चंद और आप देख रहे हैं NPS बुलेटिन। आज 11 जून की बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे कि क्या विवाद चल रहा है चारधाम यात्रा फिर से शुरू करने पर। हमारे ही जैसे कितने बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। हिंदू कुश ग्लेशियर पिघलने से लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आइए मिलकर करते हैं इन विषयों पर पड़ताल। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, बड़े अक्सर बच्चों से यही कहते हैं। दिल दहल उठता है जब नन्ही सी उम्र में बाल मजदूरी करते बच्चों की संख्या के आंकड़े सामने आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों का काम करना निषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कागज के टुकड़े में कानूनों का लिख दिया जाना ही काफी नहीं है, उन कानूनों को हर व्यक्ति की जिंदगी में उतारना जरा कठिन काम है। अभी भी भारत और दुनिया भर में हजारों बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। देखते हैं इससे संबंधित नए आंकड़े हमें क्या बताते हैं। साथी प्रमोद कांडपाल और साक्षी भंडारी हमसे खबर साझा कर रहे हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल मजदूरी कर रहे बच्चों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है, जिनमें पिछले 4 वर्षों में 84 लाख बच्चों की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि वैश्विक स्तर पर COVID-19 महामारी के परिणाम स्वरूप साल 2022 के अंत तक 90 लाख अतिरिक्त बच्चों को बाल श्रम में धकेलने का खतरा है, जबकि COVID-19 के कारण लगे अतिरिक्त आर्थिक झटकों और स्कूल बंद होने का मतलब है कि पहले से ही बाल श्रम में लगे बच्चे अब और लंबे समय तक ऐसे ही काम कर रहे हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की आय में आई और अधिक कमी के कारण कई और बच्चों को बाल श्रम के सबसे खराब रूपों में काम करने को मजबूर किया जा सकता है। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदुओं के अनुसार दुनिया का हर 10वां बच्चा बाल मजदूरी करने को मजबूर है। लगभग 7.9 करोड़ बच्चे ऐसे जोखिम भरे काम कर रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक हैं। वहीं कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी में लगभग 70% यानी 11 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं। इसके बाद सेवा क्षेत्र में 20% यानी 3 करोड़ 14 लाख और उद्योग क्षेत्र में 10% यानी 1 करोड़ 65 लाख बच्चे शामिल हैं। According to the new report by the International Labour Organization and United Nations Children's Fund, or popularly known as UNICEF, the number of children in child labour has risen to 160 million worldwide, an increase of 8.4 million children in the last 4 years. The report warns that globally 9 million additional children are at risk of being pushed into child labor by the end of 2022 as a result of the COVID-19 pandemic, whereas additional economic shock and school closure caused by COVID-19 mean that children already in the child labor may be working longer hours or under worsening condition, while many more may be forced into the worst form of child labor due to job and income losses among vulnerable families. According to some key point of report, every 10th child in the world is forced to do child labor. About 79 million children are doing such risky work, which is dangerous for their health. The agriculture sector accounts for 70% of children in child labor, followed by 20% in service and 10% in industry. हमारी धरती के लगभग 71% भाग में पानी है।
इस कारण इसे पानी का ग्रह भी कहा जाता है। पांच महासागर, हजारों नदियां और झीलें हमारे ग्रह में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर भी है। आइए समुद्र के बारे में जानते हैं हमारी साथी आंचल जोशी और गुरप्रीत कौर से। वैलेंसिया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 35 वर्ष के उपग्रहों के चित्रों के अनुसार पृथ्वी के महासागरों के मुकाबले मेडिटेरियन सागर दुगना या तिगुना ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ऊंची और तटों से दूर की जगहें जैसे कि पैनिकुलोस माउंटेन रेंज तटों से दुगना जल्दी गर्म होती है। मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ये समुद्र लगभग हर तरफ से ज़मीन से घिरा है, इसीलिए इसे मेडिटेरियन या भूमध्य सागर कहा जाता है। The Mediterranean is warming 2 to 3 times more than the Earth's ocean according to the satellite images from the last 35 years, said expert at the University of Valencia, UV. The warming is twice as fast in inlands and high areas such as Panagoulos mountain range than in the coast, the researchers noted. The Mediterranean Sea is a sea connected to the Atlantic Ocean. अब नज़र डालते हैं उत्तराखंड से संबंधित खबरों पर। साथी दिया एरी और प्रकाश चंद हमें इस बारे में बता रहे हैं। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने तीर्थ यात्राओं के लिए चार धाम यात्रा खोलने पर विचार किए। बुधवार को उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर फिर से चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि इससे राज्य में कोविड-19 मामलों में तेजी आ सकती है। विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड considering the opening of Char Dham Yatra for the pilgrims. The High Court on Wednesday again expressed concern over the issue, warning that it could lead to a spike in COVID-19 cases in the state. हमारी धरती का बढ़ता तापमान वैश्विक चिंता का मुद्दा बन चुका है। परिणाम स्वरूप हजारों नदियों के स्रोत यानी ग्लेशियर भारी मात्रा में पिघलकर अपना पानी खोने लगे हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर्स के साथ। इस बारे में विस्तार से जानते हैं हमारी साथी कृति और दीपिका से। दक्षिण पूर्व एशिया में 2 अरब लोगों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हिंदुकुश हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं 2100 तक अपनी 2/3 बर्फ खो देंगी, एक शोध से पता चलता है। हिंदुकुश हिमालयन क्षेत्र, जिसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है, भारत, नेपाल और चीन सहित 8 देशों में 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद जमे हुए पानी का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। Up to 2 billion people in Southeast Asia can face food and water shortages even as the Hindu Kush Himalayan mountain ranges lose up to 2/3 of its ice by 2100, a United Nations-backed research flagged. The Hindu Kush Himalayan region, often referred as the third pole, is spread over 3,500 square kilometers across 8 countries including India, Nepal and China. It contains the world's third largest storage of frozen water after the Antarctica and Arctic. खेल संबंधित खबर साझा कर रही हैं हमारी साथी बबीता जोशी और प्रथम मित्तल। गोल्फ खिलाड़ी युवा सासू ने सैन फ्रांसिस्को के ओलंपिक क्लब में हुआ US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता। गोल्फ खिलाड़ी एमबी पार्क के रिकॉर्ड को तोड़कर सासू US महिला ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। गोल्फ प्लेयर UK सासू हैज वॉन द US वुमेन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट एट द ओलंपिक क्लब सैन फ्रांसिस्को। सासू स्टैंड्स विद द रिकॉर्ड ऑफ एमबी पार्क एज द यंगेस्ट वुमेन ओपन विनर। हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां हमेशा से ही लड़कियों को बराबर दर्जा नहीं मिला, उन्हें लड़कों से कम ही आंका जाता है। साथ ही लड़कियां कई रूढ़िवादी मानसिकताओं का शिकार भी बनती आई हैं।
महिला आयोग की सदस्य के बयान का सहारा लेते हुए बीबीसी हिंदी के कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच को कुछ इस तरह दर्शाया है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NPS बुलेटिन में।